दोस्तों टोरंटो में इतना जल्दी वेदर चेंज हो जाता है। अभी देखिए बाहर वेदर देखिए, ये धीरे धीरे स्नोफॉल हो रहा है। अभी एंड ऑफ अप्रैल ऑलमोस्ट है और मैंने अपना गाड़ी में जो विंटर टायर है मैंने विंटर टायर चेंज कर लिया। तो अगर आप लोगों को पता है कि कनाडा में अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो विंटर के टाइम पे आपको विंटर टायर लगाना होता है और समर एंड स्प्रिंग के टाइम पे जो ऑल सीजन टायर होता है वो लगाना होता है। तो बेसिकली इस बार उतना ज़्यादा स्नोफॉल नहीं हुआ था, उतना ठंड नहीं हुआ था टोरंटो में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बहुत जल्दी विंटर टायर चेंज कर दिया। और आज देखिए वेदर देखिए, कल कितना सनी था और प्लस में टेम्परेचर था 15-20 डिग्री के आसपास है एवरेज। अभी लास्ट वीक लास्ट 3-4 वीक्स की बात मैं कर रहा हूँ। और आज देखिए टेम्परेचर देखिए क्या हो गया, और देखिए स्नोफॉल हो रहा है चारों तरफ। देखिए काइंड ऑफ स्मोक, ये स्मोक काइंड ऑफ दिख रहा है, ठीक है, फॉग, बेसिकली फॉग दिख रहा है। और देखिए कैसा स्नोफॉल हो रहा है। सो अगर आप टोरंटो आ रहे हो या कनाडा आ रहे हो, बी प्रिपेयर्ड, ऐसे कभी भी वेदर चेंज होता है। और देखने में अच्छा लगता है जब कड़क ठंड नहीं है, क्योंकि आज अभी इतना भी ज़्यादा ठंड नहीं है अभी भी। तो ये आप एंजॉय करोगे डेफिनेटली, क्योंकि मुझे पता है कि हम लोग बचपन में हम लोग जाते थे हिमालय के तरफ, सिक्किम, गैंगटॉक, शिमला। ओ वाव कितना विंडी भी है। तो हम लोग जाते थे ये स्नो को एंजॉय करने के लिए, ऐसे हम लोग देखते थे कि कब स्नोफॉल होगा। और अभी कनाडा में रहने के बाद इतना ज़्यादा यहाँ पर स्नोफॉल होता है, हालांकि इस बार बहुत कम हुआ था। तो देखिए दिस इज़ फ्रॉम 25th फ्लोर बाय द वे, और 25th फ्लोर से देखने का मज़ा बहुत ही बढ़िया होता है दोस्तों। आप देखिए चारों तरफ का सीन देखिए, देखिए स्नोफॉल हो रहा है, देखने में ज़बरदस्त लग रहा है। लेकिन आई डिडेंट एक्सपेक्ट कि इस सीज़न में फिर से स्नोफॉल ऐसा होएगा। सभी ने सोचा था कि स्नोफॉल इस बार के लिए ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी देखिए कितना स्नोफॉल हो रहा है और विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होगा। और दिस इज़ ब्रैम्पटन एरिया, और ब्रैम्पटन एरिया में ऐसा है दोस्तों, अगर आप ड्राइव करते हो आपको बहुत ही आराम से ड्राइव करना होता है। यहाँ पे अपना देसी भाई लोग पूरा भरा पड़ा है, और यहाँ पे काइंड ऑफ आपको इंडिया के ऐसे लॉ आपको मिल जाएगा, लोग जैसे ओवरटेक करते हैं, जैसे ड्राइव करते हैं। सो आपको बहुत ज़्यादा कॉशस होकर आपको ड्राइव करना पड़ेगा। सो अगर आप कनाडा आ रहे हो, वेलकम टू कनाडा, और ऐसे वेदर के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो प्रिपरेशन लेके आना पड़ेगा आपको, एंड मेंटली आपको प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। वैसे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एनीवे देखते रहिए, अगर कुछ क्वेश्चंस है रिगार्डिंग कनाडा, रिगार्डिंग टोरंटो, कुछ भी अगर आप लोग जानना चाहते हो आप लोग मुझे क्वेश्चंस कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ जुड़ जाइए मेरे साथ, ऐसे हर रोज़ मैं कनाडा के ऊपर कुछ ना कुछ लेके आता हूँ, जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, वो शायद आपके लिए ईजी हो, आपका जो कनाडा का जर्नी है या कनाडा का ड्रीम है। सो देखते रहिए।